बच्चा लोग चलो अब एग्जाम्पल 10.7 चैप्टर 10 फिजिक्स, इसमें क्या चर्चा क्या है वो देखो पहले आप। फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन द अपर्चर इज 3 मिलीमीटर वाइड एंड द वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर। क्वेश्चन का मतलब ही समझ में नहीं आवे, यदि आप सोम सर की स्टोरी नहीं सुनो ना इसमें, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आएगा। जा पहले मैं आपको डेटा लिखवा देता हूं, क्या दिया हुआ है डेटा देखो। 3 मिलीमीटर वाइड मतलब विड्थ दिया हुआ है, स्लिट का विड्थ दिया हुआ है 3 मिलीमीटर और वेवलेंथ दिया हुआ है 500 नैनोमीटर। ठीक है, ये स्लिट का विड्थ है रे ए, एपर्चर मतलब सेटिंग्स आपका साधन जिससे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो साधन में क्या होता है, दो ऑब्स्टेकल होते हैं ना ऐसे, उनके बीच का ये जो गैप होता है ये वाला, इसको विड्थ ऑफ स्लिट बोलते हैं, जिसको कितना वाइड है वो भी बोला जा सकता है, इसलिए ए है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है एक्चुअली डोमिनेंस के बारे में, कि रे ऑप्टिक्स डोमिनेंट करता है कहीं कुछ हद तक और कुछ हद तक वेव ऑप्टिक्स डोमिनेंट करता है। कुछ फिजिक्स बोलता है कि नहीं लाइट रे के फॉर्म में बेंडिंग वेंडिंग नहीं होगा, तो वहाँ समझ लो रे ऑप्टिक्स का डोमिनेंस हो गया, उसका साम्राज्य हो गया। और कुछ फिजिक्स की फिनोमिनन बोलती है नहीं नहीं लाइट यहाँ पे बेंड करेगा डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन को बहुत से लोग डाइफ्रैक्शन भी बोलते हैं, DIFFRACTION डिफ्रैक्शन। इट्स ऑल अबाउट द डोमिनेंस ऑफ फॉर्म ऑफ लाइट, कि लाइट किस फॉर्म में हम मान के चले, है ना। तो देखो बच्चा लोग, लाइट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक बेंड नहीं होता है, फिर वो बेंड होना शुरू होता है। तो देखो कौन सा पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस में बोला ना उसको बोलते हैं फ्रेनल डिस्टेंस। पूरा धांसु टॉपिक है, 2 मिनट टॉपिक समझना पड़ेगा। फ्रेनल डिस्टेंस ZF भी बोलते हैं इसको। जैसे देखो ये आपका स्लिट है, समझो ये स्लिट हो गया, यहाँ से लाइट गया यूं, मान लो यहाँ पे आके लाइट ने अपना बेंडिंग दिखाया, तो यहाँ तक तो लाइट बेंड हुआ ही नहीं, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रेनल डिस्टेंस। जिस डिस्टेंस तक लाइट स्ट्रेट बिहेव करे तब तक फ्रेनल है, वो डिस्टेंस फ्रेनल डिस्टेंस है। ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस की बात हो रही है, समझे आप। मतलब इतने जोन में फ्रेनल डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स डोमिनेंट कर रहा है, फिर वेव ऑप्टिक्स डोमिनेंट कर रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट डोमिनेंस, कि हम रे मान के चले या वेव मान के चले। तो वेव का डोमिनेंस कम है, ज़्यादातर क्या माना जा रहा है, रे माना जा रहा है, समझे आप। बेंड होना मतलब मैं इस बेंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाले बेंडिंग की बात नहीं कर रहे हम, ये बेंड होना नहीं बोल सकते अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसमें। बेंड होना इसको बोलते हैं कि लाइट ऐसे बेंड हो रही हूँ, दिख रहा है ऐसे पूरा यूँ बेंड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग। ये बेंड नहीं हो रहा है, ये है लीनियर ही है, देखो समझ रहे हो। बेंड होना और डिस्ट्रैक्ट दोनों अलग चीज़ है, डेविएशन होना और बेंड होना अलग चीज़ है। जैसे आपका प्रिज्म में से लाइट गया ऐसे, ये कहीं बेंड नहीं हुआ, अब ये यहाँ से यूँ निकल रहा है, तो इसको हम बेंडिंग नहीं बोल सकते, ये डेविएशन हुआ, विचलित हो गया। बेंड कब होगा, जब यही जो सीधा लाइट है वो आपको ऐसा दिख जाए यूँ, तब बोलोगे ना बेंडिंग हुआ। हाँ समझे, तो फ्रेनल डिस्टेंस तक लाइट बेंड नहीं होता है, उसमें डिफ्रेक्शन नहीं देखा जा सकता है, और होता है तो थोड़ा बहुत उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये है पूरा फ्रेनल डिस्टेंस का मामला। इट्स ऑल अबाउट द डोमिनेंस ऑफ रे ऑप्टिक्स ओवर द वेव ऑप्टिक्स। जब तक फ्रेनल डिस्टेंस है रे ऑप्टिक्स ही डोमिनेंट करेगा, हमको वही मान के चलना है। और इस फ्रेनल डिस्टेंस का एक स्पेशल फॉर्मूला है जो हम इस ड्राइंग पर से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पढ़ा रहा हूँ ना तो भी उतना इंटरेस्ट नहीं है प्रूव करने में। फ्रेनल डिस्टेंस का सीधा देसी फॉर्मूला है a² / λ। चलो a का वैल्यू उठाओ वहाँ से 3 मिलीमीटर,
लेमड़ा का वैल्यू 500 नैनोमीटर। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 18 मीटर। मतलब ये जो डेटा दिया है उसके बेसिस पे इस केस में फ्रेनल डिस्टेंस कितना आ रहा है, 18 मीटर। मतलब 18 मीटर तक आपका रे ऑप्टिक्स डोमिनेंट कर रहा है, वहाँ तक आप गुड अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो रे ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स मान के चल सकते हो आंसर कि अप टू द 18 मीटर इट इज़ गुड टू टेक अप्रोक्सीमेशन इन रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स इज डोमिनेटिंग ओवर द वेव ऑप्टिक्स अप टू द 18 मीटर डिस्टेंस। और ये सिंपल रेडीमेड फॉर्मूला है आपके लिए, ठीक है? अच्छा लगा ना? ओके बाय।